गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर, यू आर माय टीचर. वेलकम बैक टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.1 उस क्वेश्चन नाइन्थ. क्वेश्चन नाइन्थ वी हैव सो द terms and factors of tree diagrams. चलिए, सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. अब ये नया टॉपिक आया है, थोड़ा सा नया मीन्स ये बोल सकते हैं कि अभी तक हमने देखा कि हमें उसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना था, कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कोफिशिएंट चेक करना था, दैट वन टर्म के फॉर्म में रीअरेंज करना था. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सर कोफिशिएंट लिखना है, फिर लाइक टर्म्स के बाद डिस्कस किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को सेपरेट किया, कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट किया, कोफिशिएंट और आइडेंटिफाई किया कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है. क्लियर. चलिए अब आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका सो द टर्म एंड फैक्टर्स ऑफ ट्री डायग्राम. तो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट ए, सॉल्व भी करते हैं चलते हैं सॉल्व में, माइनस एक्स प्लस थ्री, इसको सॉल्व करते हैं. तो माइनस एक्स प्लस थ्री, इसके अगर हम फैक्टर फाइंड करने जाएं तो देखेंगे इसके टू फैक्टर्स हैं. क्या क्या है, सॉरी ये सॉरी टू टर्म्स है हमारे पास, माइनस एक्स, सॉरी ये क्या है, प्लस थ्री. अब माइनस एक्स वी कैन राइट माइनस वन इंटू एक्स, और थ्री तो साइमेट्रिक थ्री है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर. क्लियर हो रहा है, ये उसका फैक्टर, टर्म्स एंड फैक्टर. ये टर्म हुआ है, इनके फैक्टर्स माइनस एक्स वी कैन राइट माइनस इंटू माइनस वन इंटू एक्स, और थ्री तो थ्री है आपका. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन वी हैव सर, सेकेंड आप लोग खुद से ट्राई करेंगे. थर्ड पर आते हैं, थर्ड थोड़ा सा एमपी है. सी बाय माइनस बाय क्यू, होमवर्क की बात भी करते हैं साथ में. होमवर्क एक्सरसाइज 5.9 क्वेश्चन नंबर 9, उसका बी आपका भी होमवर्क है. बाय माइनस बाय क्यूब, अब देखिए इसको जब सॉल्व करने जाते हैं आप तो y माइनस y क्यूब. अब आपने देखा कि सर इसको ये y है और ये माइनस y क्यूब है, तो इसके y के फैक्टर तो कुछ नहीं है, y तो साइमेटिस है. माइनस y क्यूब के फैक्टर करने जाएं तो क्या आ जाएंगे, माइनस वन आ गया, फिर एक y आ गया, और फिर क्या हो जाएगा, y होगा और आपका y थ्री टाइम्स है क्योंकि क्यूब है, तो बाय इंटू बाय इंटू बाय माइनस वन तो कोफिशिएंट सेम है. हाउ मेनी टर्म, पावर कितना है, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यूब है, तो थ्री टाइम्स बाय इंटू बाय इंटू बाय हो गया. क्लियर है ये. चलिए वेरी गुड, अब आते हैं नेक्स्ट पर. सी, ये सी हुआ सर है ना, अब आते हैं हम बी सी डी. डी जो है आपका मोस्ट आईएमपी है, डी पर आते हैं थोड़ा सा. डी एक्चुअल में आपका है 4xy² प्लस 6x²y. इसको सॉल्व करने जाएंगे सर, टू टर्म्स, टर्म को सेपरेट कर दें, और टर्म है 4xy² 6x²y. फिर आप देखेंगे इसमें टर्म को सेपरेट कर दें, इसके फैक्टर्स देखें तो 4xy,
इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि 4x बाय बाय 4 कांस्टेंट टर्म है, x टर्म है, बाय फैक्टर हो जाएंगे y इनटू y का। अब सेकंड वन आता है 6 के साथ, 6 टर्म है, इट इज हाउ मेनी x, सर 2x और y, ये आपका क्या होगा आंसर। अब कुछ स्टूडेंटों को ये भी आएगा कि सर इन 6 के भी फैक्टर कर ले, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका होता है टर्म्स सेपरेट की, ये टर्म्स है और फैक्टर, फैक्टर बाय ट्री डायग्राम, ये ट्री डायग्राम आपका होता है। क्लियर? आफ्टर देन आप क्या करने वाले हैं सर? आप होमवर्क के लिए ई को और सॉल्व करें, ई और एफ। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9th। क्या करना है? सिंपल इसी टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टर्म्स को सेपरेट करना है, कोफिशिएंट वहां पर जो फैक्टर्स है उसको सिंपलीफाई करना है। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।